सबसे पहले वेलकम टू बैक हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कैनेडा वीज़ा। आज के टाइम में जो लोग सोच रहे हैं भी कैनेडा का जो अप्रूवल रेट है वो पहले से कम है, वो गलत सोच रहे हैं। आज हम आपके साथ वीज़ा शेयर करेंगे, अनदर जो कैनेडा के हमारे वीज़ा लग कर आए हैं, 6 वीज़ा, तो जो कि तकरीबन 3 वीज़ा हमारे यूके से हैं, 2 वीज़ा हमारे इंडिया से हैं, तो 1 वीज़ा हमारा साइप्रस से है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा रिसेंटली भी जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी अच्छा है, बट आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, आपके फैमिली टैक्स अच्छे आपको दिखाने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं यूके, साइप्रस या किसी भी अनदर कंट्री में, या फिर आप वर्क परमिट पर हैं। सबसे पहले आपके साथ हम वीज़ा शेयर करेंगे जो कि हमारे 6 वीज़ा अप्रूव होकर आए हैं। ये जो फर्स्ट वीज़ा आप दे सकती हैं यूके से हमारा अप्रूव होके है, ये जो सेकेंड वीज़ा है ये भी हमारा यूके से अप्रूव होके है, और ये जो थर्ड वीज़ा है तो ये भी हमारा यूके से अप्रूव हो गया है। ये जो अनदर वीज़ा है ये हमारा इंडिया से अप्रूव है, और ये अनदर वीज़ा हमारा ये साइप्रस से अप्रूव हुआ है, और ये लास्ट वीज़ा ये हमारा इंडिया से अप्रूव हुआ है। अगर आप भी इन क्लाइंट्स की तरह कैनेडा का वीज़ा लेना चाहते हैं नॉर्मल सी प्रोसेसिंग फ़ीस पे करके, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो हम बात करते हैं आज के टाइम में अगर आप कैनेडा जैसी कंट्री का आपने वीज़ा लेना है तो सबसे पहले आपके फैमिली टैक्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं। अगर आप वर्क परमिट पर हैं तो आप अपने इनकम के सोर्सेस ओनली आप दिखाकर आप कैनेडा जैसी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं, बट अगर आप किसी भी कंट्री में आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं तो आपकी फैमिली की बैंक स्टेटमेंट आप साथ में लगा सकते हैं, उनके इनकम के सोर्सेज क्या हैं वो आप साथ में लगा सकते हैं, और एक आप ITR ज़रूर लगाइए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं अपने पेरेंट्स की। उनका उनकी ITR नहीं है तो आप लेट फीस में आप उनकी फिल करवा सकते हैं, तो 2 साल की मिनिमम उनकी ITR जरूर दिखाइए, जिसमें उनके under 5 lakh की जो ITR है अगर आप अटैच करते हैं तो एम्बेसी को ये होगा भी इनके पेरेंट्स के जो इनकम के सोर्सेज हैं वो भी एनुअली काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद आपकी जो अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आपके JFOM है तो आप वो साथ में लगा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉपर्टी की CA वैल्यूएशन रिपोर्ट है, कोई भी अनदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं, बट उसके एक्स्ट्रा आपकी यूनिवर्सिटी के प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें नंबर 1 आपकी जो फीस रिसिप्ट्स हैं, नंबर 2 आपका टर्म या लीव लेटर आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है, और नंबर 3 आपकी बैंक स्टेटमेंट, और नंबर 4 जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री का आपका रेजिडेंसी परमिट कार्ड, वो आपका 6 मंथ वैलिड होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका कार्ड 6 मंथ वैलिड है तो आपको वीज़ा लेने के जो चांसेस है वो काफ़ी हाई रहते हैं, बट काफ़ी लोग कहते हैं अभी हमारे पास 2 मंथ का वैलिड है, 3 मंथ का वैलिड है, क्या हमें कैनेडा वीज़ा प्रोवाइड करेगा? देखो कैनेडा वीज़ा प्रोवाइड कर सकता है, बट उसमें चांसेस हैं वो काफ़ी आपके लो रहेंगे। इसलिए अगर आप किसी भी कंट्री से किसी कंट्री का भी वीज़ा लेना चाहते हैं, वर्क परमिट पर हैं या किसी भी आपका अनदर स्टेटस है, उस कंट्री का आपका रेजिडेंसी परमिट कार्ड आपके पास 6 मंथ वैलिड हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। कैनेडा वीज़ा का आज के टाइम में अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा है यूके से, साइप्रस से, फॉरेन कंट्री से। जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको ज़रूर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 3 to 4 मंथ का आपका टाइम लग सकता है, बट इसमें जो अप्रूवल रेट है वो मोर देन 90% है। मैं फिर कहता हूँ भी जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से उन्होंने लॉन्च किए हैं, सबमिट किए हैं, उन्हीं को कैनेडा वीज़ा दे रहा है। ऐसा नहीं है भी आपने डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट आपने सबमिट किया तो कैनेडा आपको वीज़ा देगा, ये चीज़ आप भूल जाइए। जो लास्ट मंथ में हमने देखने को मिली थी 2024 के स्टार्टिंग में, तो वैसा आज के टाइम में देखने को नहीं मिल रहा। आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होने चाहिए कैनेडा वीज़ा के लिए, और अगर आप भी आने वाले टाइम में कैनेडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहती हैं, लेना चाहती हैं कम प्राइस में, नॉर्मल सी प्रोसेसिंग फ़ीस पे करके, तो आप ओनली फ्लाईबर्ड ओवरसीज़ के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी फ़ाइल नॉर्मल सी प्रोसेसिंग फ़ीस पे करके आपकी सबमिट करवाएंगे, और जो एम्बेसी फ़ीस है वो आपके आपके कार्ड से पे होगी। इसलिए अगर आप जनरल काम करवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।